वोकैबुलरी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एडवांस्ड वोकैबुलरी की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड वेरी को रिप्लेस करके नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि हमारी वोकैबुलरी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। अगर आप सब इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो आप कभी भी उन वर्ड्स को अपने डेली यूज सेंटेंसेस के अंदर, चाहे तो वो स्पीकिंग हो चाहे वो राइटिंग हो, उसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप आईलेट्स टोफोल वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फॉर श्योर ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस टाइटल पर मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मेरी जो दो वीडियोस हैं वो फर्स्ट 20 वर्ड्स के ऊपर फोकस करती हैं। अगर आप चाहते हैं वोकैबुलरी का एक भी वर्ड आपसे मिस ना हो तो काइंडली आप मेरी उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिए, उसके बाद इस थर्ड वीडियो में आइए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं 20 के बाद 21 से लेकर 30 तक नेक्स्ट 10 वर्ड्स आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी नए यूजर्स हैं और जो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, काइंडली प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड एडजस्ट टू सब्सक्राइब बटन, देयर इज अ बेल आइकन, काइंडली प्रेस दैट आइकन सो यू विल नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय साइड। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि टाइटल में लिखा है, वर्ड लिस्ट टू यूज इंस्टेड ऑफ वेल। वेरी वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो हम बहुत ज्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन वेरी वर्ड अगर आप बार बार यूज करते हैं तो इससे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं हो रही बल्कि वीक होती है। तो उस वीक इंग्लिश को स्ट्रांग बनाने के लिए हम इस वेरी वर्ड को निग्लेक्ट करेंगे, मतलब इसे यूज नहीं करेंगे। अगर इसे यूज नहीं करेंगे तो वो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो वेरी को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह नए वर्ड्स बनकर आएंगे और जो आपकी कॉन्वर्सेशन को हाईलाइट करेंगे, स्ट्रांग बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने इस स्लाइड को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। जो आपकी लेफ्ट साइड है वो डिपिक्ट कर रही है डोंट से, इस रेड क्रॉस के साथ, मीन्स हमें इन वर्ड्स को नहीं बोलना। उसके बाद जो राइट साइड है वो डिपिक्ट कर रही है से, इस टिक से। इसका मतलब है कि ये वर्ड्स आप बोलेंगे इन्हें रिप्लेस करके। सो फ्रेंड्स, आज की वोकैबुलरी लिस्ट के अंदर हमारा फर्स्ट वर्ड है वेरी कंफ्यूज। आप सबको पता है कंफ्यूज का मतलब क्या है। कंफ्यूजन का मतलब है जब किसी भी बात, किसी भी चीज को लेकर आप पजल होते हैं, आपके माइंड में बहुत से डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होते हैं, इट मीन्स वो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। लेकिन आज से आप वेरी कंफ्यूज को यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह आपने एडवांस वोकैबुलरी के अंदर जो नया वर्ड सीखना है वो होगा परप्लेक्स्ड। सो फ्रेंड्स, आइए परप्लेक्स्ड के साथ एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। उसकी यह प्रॉब्लम ने मुझे उलझा दिया। ही परप्लेक्स्ड मी विद दिस प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज वेरी क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब है कि जब आपके माइंड में कुछ नए नए आइडियाज आते हैं किसी भी चीज से रिगार्डिंग, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट हो, मीन्स आप क्या कर रहे हैं, अपने माइंड से नए नए थॉट्स को लेकर आ रहे हैं और उन्हें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है बहुत क्रिएटिव होना, जिसे आप वेरी क्रिएटिव कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन अब आप वेरी क्रिएटिव यूज नहीं करेंगे, वेरी क्रिएटिव को आप जिस वर्ड से रिप्लेस करेंगे वो है इनोवेटिव। एडवांस वोकैबुलरी के अंदर आपने जब भी क्रिएटिव वर्ड यूज करना है, चाहे वो स्पीकिंग में हो चाहे वो आपकी राइटिंग में हो, आप उसकी जगह इनोवेटिव यूज करेंगे। आइए इनोवेटिव के साथ एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। जो बहुत अच्छा चित्र बनाएगा उसे इनाम मिलेगा। देयर विल बी अ प्राइज फॉर द मोस्ट इनोवेटिव डिजाइन। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारा थर्ड वर्ड है वेरी क्राउडेड। क्राउडेड का मतलब है भीड़ से भरा हुआ। जो भी एरिया, प्लेस जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो, बहुत ज्यादा शोर हो, आप उस एरिया को बोलते हैं वेरी क्राउडेड। लेकिन आज से आपने वेरी क्राउडेड को रिप्लेस कर देना है बस्टलिंग के साथ। आइए बस्टलिंग के रिगार्डिंग एग्जाम्पल देख लेते हैं।
बाजार दुकानदारों से भरा हुआ था। The flower market was bustling with shoppers. So friends, हमारा next fourth word है very dangerous. Dangerous word आप सबको पता है जो चीज बहुत ही खतरनाक होती है, full of danger जिसमें होता है, आप वहां पर word use करते हैं very dangerous, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। लेकिन अब आपने very dangerous को replace कर देना है किस word के साथ, perilous के साथ। आप अब अपनी वोकैबुलरी के अंदर जो वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है पेरिलस। पेरिलस वर्ड हमेशा खतरे के लिए यूज होता है, जहां पर हमें बहुत ज्यादा खतरा नजर आता है। तो आइए फ्रेंड्स, पेरिलस के रिगार्डिंग भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। बर्फ के तूफान में जमी हुई सड़क बहुत खतरनाक होती है। इन स्नो स्ट्रॉन्ग आइसी रोड्स आर पेरिलस। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेरी डियर। फ्रेंड्स, डियर वर्ड हम मोस्टली अपनी लाइफ में यूज करते हैं। डियर का मतलब होता है जब आपके लिए कोई बहुत ही प्यारा होता है, आप उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, तब आप वर्ड यूज करते हैं वेरी डियर। लेकिन आज से आप वेरी डियर को रिप्लेस करके अपनी वोकैबुलरी के अंदर वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, वो होगा चेरिश्ड। आइए चेरिश्ड के साथ एक एग्जाम्पल बनाकर देख लेते हैं। बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यार और ध्यान की जरूरत होती है। चिल्ड्रन नीड टू बी चेरिश्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज वेरी डीप। डीप का मतलब सबको पता है, जो चीज बहुत ही ज्यादा गहराई में होती है उसके लिए आप वेरी डीप वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन अब आपने वेरी डीप को रिप्लेस करके जो नया वर्ड इंट्रोड्यूस करना है अपनी वोकैबुलरी के अंदर, वो है प्रोफाउंड। ओके, अब प्रोफाउंड को डेली लाइफ में कैसे यूज करना है आइए देख लेते हैं। उस घटना का मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा है। दैट इंसिडेंट हैड अ प्रोफाउंड अफेक्ट ऑन मी। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज वेरी डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब है जब भी आप बहुत ज्यादा उदास होते हैं और आपकी लाइफ में कोई उम्मीद नहीं होती, तब आप जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है वेरी डिप्रेस्ड। लेकिन एडवांस्ड वोकैबुलरी के अंदर हम वेरी डिप्रेस्ड को यूज नहीं करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे किस वर्ड के साथ, डिस्पोंडेंट के साथ। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्पोंडेंट के साथ हम अपने डेली यूज का एक सेंटेंस देख लेते हैं। मैं बहुत ही ज्यादा उदास हो गया जब मेरे काम को ना कर दी गई। आई फील डिस्पोंडेंट व्हेन माई वर्क इज रिजेक्टेड। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज वेरी डिटेल्ड। मीन्स जहां हम किसी चीज को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं, तो वहां पर वेरी डिटेल्ड वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अब आप वेरी डिटेल्ड वर्ड को यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे, दैट विल बी मेटिकुलस। ओके, अब मेटिकुलस के रिगार्डिंग अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना हो तो वह कैसे बनेगा आइए देखते हैं। खाते संभालने वाली नौकरी में बहुत ही ज्यादा गहन व्यक्ति की जरूरत होती है। द अकाउंटिंग जॉब्स रिक्वायर अ मेटिकुलस पर्सन। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वर्ड इज वेरी डिफरेंट। जो भी चीज किसी दूसरी चीज से बहुत ही ज्यादा अलग है या डिस्टिनेक्ट है, तो आप जो वर्ड यूज करेंगे वो वेरी डिफरेंट ना यूज करते हुए वो होगा डिस्परेट। तो फ्रेंड्स, आइए डिस्परेट के साथ एक सेंटेंस बना लेते हैं। जो 5 परीक्षण किए गए उन सबका परिणाम बहुत अलग आया। द 5 एक्सपेरिमेंट्स गेव क्वाइट डिस्परेट रिजल्ट्स। सो फ्रेंड्स, आवर लास्ट वर्ड इज वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब आप सबको पता है, जो चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेबर और मेहनत करनी पड़ती है, तब आप वर्ड यूज करते हैं वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अब आप इस वेरी डिफिकल्ट वर्ड को रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह जो वर्ड वोकैबुलरी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे वो होगा आर्डुअस। आर्डुअस मीन्स डिमांडिंग ग्रेट एफर्ट और लेबर। ओके, तो आप वेरी डिफिकल्ट वर्ड को यूज ना करते हुए जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा आर्डुअस। तो आइए फ्रेंड्स, आर्डुअस को एक एग्जांपल में इंप्लीमेंट कर लेते हैं।
वो एक बहुत ही मुश्किल सफर था. इट वॉज एन आर्जुअस जर्नी. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट वीडियो जिसके अंदर हमने नेक्स्ट 10 वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया है. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि जो भी वर्ड्स आप वेरी के साथ यूज कर रहे हैं, आप उन्हें आज से यूज नहीं करेंगे और उन्हें नई वोकैबुलरी के वर्ड्स के साथ इंट्रोड्यूस कर देंगे. फ्रेंड्स, अगर आप इन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, देन आई एम क्वाइट श्योर कि आपकी वोकैबुलरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आपको इंग्लिश स्पीकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. क्योंकि सिंपल वर्ड्स हर कोई यूज कर लेता है, लेकिन आज का जो कॉम्पिटिटिव पीरियड चल रहा है उसमें आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, चाहे वो राइटिंग हो चाहे वो स्पीकिंग हो. अगर आपके पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स है तो आप अपनी बात को एम्फेसाइज वे में, हाईलाइटेड वे में प्रेजेंट कर सकेंगे. अगर एक पर्सन इन वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बना रहा है और दूसरा पर्सन इन वर्ड्स को यूज करके सेंटेंसेस बना रहा है, तो आई एम क्वाइट श्योर अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईलेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस पर्सन को चांस मिलेगा जो इन वर्ड्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा है. उस पर्सन को कभी नहीं मिलेगा जो कॉमन इंग्लिश यूज कर रहा है. तो फ्रेंड्स, मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए. मैं फिर से नेक्स्ट 10 वर्ड्स लेकर आऊंगी जिसमें फिर से हम वेरी के साथ कुछ वर्ड्स को जोड़ेंगे, लेकिन उन्हें रिप्लेस करके फिर से नए वर्ड्स को स्टडी करेंगे. सो फ्रेंड्स, एट लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, काइंडली गिव थम्स अप टू इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन अबाउट माई न्यू अपलोडेड वीडियो ऑन डेली बेसिस. सो फ्रेंड्स, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.